हेलो फ्रेंड्स, प्लेसेस टू विजिट चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो हेलीकॉप्टर की कीमत के बारे में जानना ही काफी नहीं है, लेकिन यात्रा के लिए गाइडलाइंस के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। जबकि 2024 के लिए विशिष्ट यात्रा दिशा निर्देश लंबित हैं। याद रखें कि केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने के लिए सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है। केदारनाथ यात्रा के लिए कम से कम 6 दिन का प्लानिंग करें, जिससे यात्रा शांतिपूर्वक हो सके। केदारनाथ यात्रा के दौरान सांस लेने की प्रॉब्लम न हो, इसलिए रोजाना सांस लेने के व्यायाम और 20 से 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यदि आपकी उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक है या आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो संपूर्ण हेल्थ जांच कराएं। यह यात्रा के लिए फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए है। केदारनाथ का हिमालयी मौसम अनप्रेडिक्टेबल होने के कारण यात्रा के लिए समझदारी से अपना सामान पैक करें। सबसे पहले ऊनी स्वेटर, थर्मल जैकेट और दस्ताने जैसे गर्म कपड़े ले जाएं। इसके बाद रेनकोट और छाता जैसे बारिश से बचाव के उपकरण को न भूलें। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर सहित स्वास्थ्य जांच संबंधी आवश्यक चीजें लेना न भूलें। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की स्थिति के बारे में सूचित रहें। यदि आपका डॉक्टर यात्रा न करने की सलाह देता है तो उसकी बात सुनें। इसके अलावा विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों वाले तीर्थयात्रियों को आवश्यक दवाएं अपने साथ रखनी होंगी और उनके पास अपने डॉक्टर का संपर्क विवरण होना चाहिए। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान हमेशा स्वास्थ्य आपातकालीन प्रोटोकॉल के नियम का पालन करें। तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्तियों को सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। यदि आप सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और लगातार खांसी जैसे लक्षणों को पहचानते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान मादक द्रव्यों का सेवन न करें। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन युक्त पेय, नींद की गोलियां और शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं से परहेज करें। प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर तरल पदार्थ का सेवन करके और पौष्टिक आहार बनाए रखकर अपना न्यूट्रिशियस डाइट मेंटेन रखें। केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों पालन करना जरूरी है, पर सुरक्षित और समृद्ध तीर्थ यात्रा अनुभव के लिए ये प्रारंभिक उपाय आवश्यक हैं। देवताओं के निवास के माध्यम से आपकी यात्रा आध्यात्मिक जागृति और दिव्य आशीर्वाद से भरी हो। धन्यवाद। यह वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।